श्री नवरात्र महोत्सव मंडल की ओर से 48वां नवरात्र पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहां विशुद्ध गुजराती गरबे की ताल पर माता रानी के भक्त थिरकेंगे। इस वर्ष गरबा प्रेमियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र माता के दरबार के साथ श्याम बाबा व सलासर के हनुमान जी का दरबार होगा। भक्त श्री श्याम बाबा व सलासर हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। मंडल के अध्यक्ष मुकेश कामवानी और महासचिव प्रफुल्ल गणात्रा ने पत्र परिषद में बताया कि घट स्थापना सोमवार 26 सितंबर को सुबह 9:30 बजे श्री नवरात्र प्रांगण में स्वर्गीय श्री अमृत आचार्य मार्ग क्वेटा कॉलोनी लकड़गंज में होगी। घट स्थापना एवं चांदी गरबा के यजमान राजूभाई आचार्य परिवार व दीपक भाई कामवानी परिवार है। चांदी गरबा स्थापना रास मंडप में शाम 6:30 बजे होगा। महाअष्टमी सोमवार 3 अक्टूबर को व विजयादशमी पर्व बुधवार 5 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में रास गरबा शाम 7 बजे होगा। महिला और पुरुष अलग अलग गरबा करेंगे। गुजराती गायक मधुभाई ठक्कर के गुजराती गीतों का आनंद गरबा प्रेमी उठाएंगे। नागपुर के प्रणय कूथे और साइली के मराठी गीतों पर गरबा विशेष आकर्षण होगा। नवरात्रि के दौरान 10 दिनों तक ओपीडी में निशुल्क इलाज और दवा वितरण किया जाएगा। सफलतार्थ उपाध्यक्ष रामराज नाडार, अल्केश सेलानी, हरी सारडा, सचिव आकाश आचार्य, सह सचिव गिरीश मेहता, राजू आचार्य, चंद्रकांत नथवानी, कोषाध्यक्ष भरत सोनी, सह कोषाध्यक्ष विजय नागरेचा, आनंद कारिया, धनराज पुरोहित, किरिट वखरिया, सुरेश भाई पटेल, विपिन वखरिया, निर्मल गुरिया, विजय नागरेचा, हरगोविंद चांडक, विनोद केजरीवाल, भरत भाई सोनी, आशीष ने, दीपक कमवानी आदि प्रयासरत है। ये नवरात्र गरबा जो होता है वो सार्वजनिक होता है। ये कोई कमर्शियल गरबे, जैसे नागपुर में आज कमर्शियल गरबे का चलन चल गया है, पर यह 48 साल से ये गरबे के ये ट्रेडिशनल रहा है कि ये कमर्शियल ना होते हुए सार्वजनिक है। यहाँ सभी कास्ट के सभी धर्म के लोग आके गरबा खेलते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, और सबका आपस में समन्वय इतना अच्छा है। और यहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों की रोज़ भीड़ रहती है, जिसमें लेडीज़ का जो गरबा होता है, सब जगह कमर्शियल में लेडीज़ और जेंट्स के गरबे साथ में होते हैं। हमारे यहाँ लेडीज़ का गरबा अलग होता है और जेंट्स का गरबा अलग होता है, और दोनों गरबे अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से पूरे माता जी की भक्ति के भाव अच्छे से चलते हैं। तो लोगों को आने के लिए हमारे यहाँ गार्ड वगैरह जो रहते हैं वो पास के हिसाब, वैसे हम पास देते नहीं हैं, पर जो हमारे VIP वगैरह सब आते हैं, जो देखने के लिए आते हैं गरबा देखने के लिए, उसके लिए बाकायदा हम लाइन लगा के उनको अपने जो स्वयं सेवक है उसके हाथ से उनके दर्शन करा देंगे। जैसे इस टाइम सालासर का मंदिर बन रहा है, जिसमें मंदिर के तरफ ले जाके उनको हम दर्शन का लाभ अवश्य दिला देते, सभी को आने वाले जो भी अतिथि सबको दर्शन का लाभ दिला देते। की बात है, नागपुर नगरी का हर व्यक्ति जो गरबा का चाहक है या माता जी की भक्ति का चाहक है, वो सबसे पहले नवरात्र का नाम उसके चेहरों पे, उसके मुंह पर आता है, क्योंकि नागपुर की जनता को राजगरबा सिखाने का काम सबसे पहले किसी संस्था ने किया होगा तो वो है नवरात्र महोत्सव मंडल, क्योंकि इसकी स्थापना 1975 में हुई। 1975 के पूर्व गरबा ये सिर्फ गुजरातियों का गरबा कहा जाता था, जिस पर हक सिर्फ गुजरातियों का था। उसके बाद इस गरबा को सार्वजनिक रूप में लाने का काम नवरात्र महोत्सव मंडल ने किया, और इसीलिए प्रथम वर्ष से ही 1975 से ही यह नागपुर के जनता के दिल में बैठा रहा है, जिसके कारण आज हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र आज 60 साल की भी होगी, वो नवरात्र महोत्सव मंडल को पूरे दिल के साथ चाहता, क्योंकि उसने अपने दिनों में राज गरबा खेलने का जब समय था तब उसने कोटा कॉलोनी में आके गरबा खेला। आज की पोजीशन ऐसी है कि हम पिछले 2 वर्षों के खतरनाक कोरोना के माध्यम से इस गरबा से दूर रहे, लेकिन अब ये हमारे पास समय, एक मौका ऐसा आया है जहाँ पर राज गरबा खेलने का मौका 2 साल के बाद सभी को आया है। 2 वर्ष तक हम अपने घरों में बैठकर मां की भक्ति करते रहे, लेकिन एक खुली गरबा रूपी भक्ति करने का मौका 2 वर्ष के बाद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि नागपुर की जनता में बहुत ही प्रकार से आतुरता है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग जहाँ तक डोनेशन देने की बात है, जहाँ तक गरबा खेलने की बात है, जहाँ हमारे फ्री पासेस जो हम बांटते हैं उसकी बात है, लोग बहुत ही आतुर है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार जो भीड़ है वो 2 वर्ष का जो बैकलॉग है उसको पूरा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएंगे, ऐसी हमारे को आशंका है, जिसके कारण हम भी हमारी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। और जितने लोग आ रहे हैं उन सभी लोगों को
पूरी तरह से दर्शन करने की, राज गरबा खेलने की पूरी पूरी सुविधा मिले, ऐसी व्यवस्था हमारे माध्यम से की जा रही है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।